नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। विशेष में आज हम बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था की, छात्रों के व्यवहार की। आखिर शिक्षा व्यवस्था किस ढर्रे पर चल रही है और छात्रों का व्यवहार इस शिक्षा व्यवस्था के भीतर कैसा हो चला है, इन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे विशेष में। तो आखिर इस सूबे के अंदर, इस प्रदेश के अंदर जब छात्र हाथ में किताबों की जगह लाठी डंडे को ले लें और आपस में भिड़ जाएं और शिक्षा व्यवस्था पटरी पर उतरती नजर आए, तो प्रदेश का सूरत हाल शिक्षा व्यवस्था के तौर पर कैसा होगा, आपको दिखाते हैं पहले विशेष में इस रिपोर्ट के जरिए। उसके बाद हर पहलू की करेंगे गंभीरता से चर्चा। ये दो तस्वीरें बखूबी बयां कर रही हैं कि आखिर हमारे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था किस ढर्रे पर चल रही है और छात्रों का व्यवहार कैसा हो चला है। कैसे देखते ही देखते प्रदर्शन पत्थरबाजी और लाठी डंडे की जंग में तब्दील हो जाते हैं और कैसे भविष्य के सिर पर खून सवार हो जाता है। आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही दो तस्वीरें सिरसा की राजकीय मॉडल संस्कृति पाठशाला की है, जिसे पाठशाला कहा जाए या पशुशाला ये जरा मुश्किल है। यह पढ़ाई से ज्यादा पशुओं की लड़ाई होती है और बच्चे स्कूल में ज्ञान लेने की बजाय पशुओं को स्कूल से खदेड़ने के लिए जद्दोजहद करते नजर आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पाठशाला पशुशाला कैसे ना बने, जब स्कूली बच्चों के साथ पशुओं को भी स्कूल में मिड डे मील का भरपेट भोजन मिलता हो। जानकारी के मुताबिक बच्चों से बचने वाले मिड डे मील को जानवरों को डाल दिया जाता है। इसके लिए हमारे पास कोई परमानेंट चौकीदार नहीं है और गेट की ये प्रॉब्लम है कि यहाँ चार स्कूल हैं और बाइट भी है साथ साथ जेबीटी वाले बच्चों के लिए, तो उसके लिए कोई भी कर्मचारी या बच्चे आते जाते रहते हैं, तो इसके लिए परमानेंट चौकीदार ना होने की वजह से ऐसा सिस्टम हो रहा है कि हमारा पशु हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। बच्चे मिड डे मील खाते हैं तब भी सुबह से आना शुरू हो जाते हैं, तो दो गेट हैं, एक उस साइड वाला गेट है तो उससे भी हमारा पशु आते हैं। हम सारा दिन यही काम करते रहते हैं कि भगाने का बच्चों के सहयोग से भी और खुद भी लगे रहते हैं कि वो ना आए, लेकिन डिस्टर्ब होते रहते हैं, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। की शिकायत लिखित में सर ने कहा, अभी नए प्रिंसिपल आए हैं, उन्होंने बताया था कि आप ये लिख के और गौशाला में दे दो और एक डीसी को पहुंचा दो, तो वो कार्रवाई अभी जारी है। ये समस्या तो मुझे करीब 2.5 साल हो गए यहाँ, लगभग वहाँ तभी से चलता रहा, हो सकता उससे पहले भी। बच्चों के साथ स्कूल टीचर भी पशुओं से परेशान है, लेकिन स्कूल में एक भी चौकीदार नहीं है। वहीं उप जिला शिक्षा अधिकारी साहब भी फोर्थ क्लास कर्मचारियों की कमी का रोना रोते नजर आए। सर, वो काफ़ी बड़ी परिसर है और उसमें अभी वैसे एक ही स्वीपर है। टाइम टू टाइम वो नेशनल सर्विस स्कीम NSS के अंतर्गत या और अभियान चला के सफाई करवाते हैं, लेकिन जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है ना, उनकी संख्या वहाँ कम है और अभी सरकार की ओर से लगाने का किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी के कारण कुछ मुश्किल हो सकती है। इस मामले से साफ है कि हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था किस ढर्रे पर चल रही है, लेकिन अब व्यवस्था की बदहाली के बाद प्रदेश के छात्रों के व्यवहार की दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें जींद के राजकीय महाविद्यालय की है, जहां ABVP और SFI छात्र गुटों के बीच जमकर लाठियां चली। SFI के छात्रों ने RSS का पुतला फूंका, जो ABVP को नागवार गुजरा। ABVP के छात्र डंडों और लाठियों से SFI के छात्रों पर टूट पड़े। देखते ही देखते कॉलेज जंग का मैदान बन गया।
कई विरोध कार्रवाई आज गवर्नमेंट कॉलेज के सामने पुतला फूंक के कर रहे थे आरएसएस और भाजपा सरकार का, उस पर हमें शांतिपूर्वक पुतला फूंक रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, उसमें आके आरएसएस के गुंडों द्वारा हमला किया गया था और मारपीट की। आरएसएस के लोग थे, एक तो उनके प्रदेश के कोई महामंत्री हैं शायद, रोहतक से हैं प्रदीप, शायद उनका कोई नाम है, एक सुशील है नरवाना से, उन लोगों ने आके बाई नेम 5-7 लोग थे, उन्होंने आके हमला किया, हमारे साथियों के साथ दुर्व्यवहार किया और पुतला उठा के वो साथियों के ऊपर। दोनों तस्वीरें अपने आप में शिक्षा की व्यवस्था और छात्रों के व्यवहार की कहानी बयां करती है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि कैसे सुधरेगी शिक्षा की हालत, पढ़ाई करने वाले लड़ाई पर आमादा क्यों है, सूबे का भविष्य क्या ऐसे हाथों में सलामत है, कब तक बच्चे शिक्षा के लिए करेंगे जद्दोजहद, क्यों शिक्षा के क्षेत्र में हावी है राजनीति, क्यों छात्रों के व्यवहार को लेकर गंभीर नहीं है सरकार। हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था हर क्षेत्र में बदहाल ही नजर आती है, चाहे वो मूलभूत सुविधाओं की बात हो या फिर नैतिक मूल्यों की। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब भविष्य ही मार्ग से भटकने लगे तो कल से बेहतर भविष्य की उम्मीद कैसे की जा सकती है। सिरसा से अमित तिवारी और जींद से रोहताश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो प्रदेश की दो तस्वीर शिक्षा व्यवस्था के मोर्चे पर हमने आपको दिखाई, एक तरफ पाठशाला पशुशाला बन गई तो दूसरी तरफ बच्चों के हाथ में लाठी डंडे आ गए और दो छात्र संगठनों के छात्र आपस में भिड़ गए। एक इस तरह का कल्चर शिक्षा व्यवस्था के भीतर क्रिएट होता जा रहा है, इसकी वजहें क्या हैं और आखिर ये कहाँ जाकर खत्म होगा, कैसे इस पर लगाम लगाई जा सकती है, कैसे इस व्यवस्था का सूरतयाल बदला जा सकता है, इन्हीं तमाम पॉइंट्स पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ओम प्रकाश सहरावत जी शिक्षाविद इस वक्त स्टूडियो में हैं। ओपी सहरावत जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपको दो तस्वीरें हमने इस रिपोर्ट के जरिए दिखाई है, आपको क्या लगता है किस तरह का कल्चर बन रहा है, जब छात्रों के बीच संघर्ष होने लगे, लड़ाई झगड़ा होने लगे और छात्र संगठनों के बीच राजनीति हावी हो जाए, पहली तस्वीर तो ये है और दूसरी तस्वीर में हम देखते हैं कि किस तरह से एक राजकीय मॉडल संस्कृति पाठशाला बनाई जाती है, उस पाठशाला में ये इस उद्देश्य से कि वहाँ आकर बच्चे पढ़ेंगे तालीम लेंगे, लेकिन वहाँ पर पशु आते हैं और वो उनकी वो पशुशाला बन गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए ये एक बहुत ही निंदनीय बात है कि विद्यालय के अंदर जो है वो इस प्रकार के जो पशु आ जाना, सुअर आ जाना, जो गंदगी फैलाते हैं वो आ जाना, तो ये क्या चीज दर्शाता है? इसमें केवल जो व्यवस्था की कमी है और वो कमी ऊपर से नीचे तक, नीचे वाले ऊपर का नाम लेते हैं, ऊपर से नीचे का नाम होता है, लेकिन बात यह है कि हर स्कूल के अंदर चौकीदार या फोर्थ क्लास वो नहीं है, अपॉइंट किए मतलब अपॉइंट करने की अनुमति नहीं है, तो फिर उस आधार पर कौन करेगा, कौन पशुओं को रख के आप बच्चे खड़े रहेंगे, तो ये व्यवस्था को कौन सुधारेगा? जब तक इस बात के लिए कृत संकल्प नहीं होंगे अधिकारी, कृत संकल्प नहीं होंगे ऊपर सरकार और उसके जो उच्च जिसको हम बोलते हैं कि अधिकारीगण, तो तब तक ये सुधार आना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि राजनीति जो जब किसी भी क्षेत्र में घुसती है तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चों की जो पढ़ाई के ऊपर, खास करके विद्यालयों में राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए। पहले तो ये था कि भाई संगठन उनके चुनाव है उनको लेकर के कोई बात है, लेकिन अब जो बड़े बड़े आरएसएस के लोग और एबीवीपी के लोग और दूसरे लोग जो इनके बहाने से अंदर घुस जाते हैं, तो शिक्षा क्षेत्र का जो है बुरा हाल है, इसको सुधारने की बड़ी आवश्यकता है और इसका जब तक साफ नियति से ऊपर के लोग जो है इसका कोई अच्छा निर्णय नहीं लेंगे तब तक ये बड़ा मुश्किल है। बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में होने की बहुत बड़ी संभावना है और हो रही है, ये रिजल्ट्स बता रहे हैं कि पढ़ाई कम हो रही है और राजनीति स्कूलों में ज्यादा हो रही है और लचर व्यवस्था है, कोई इंतजाम नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको कौन करेगा? ये सरकार की बातें हैं, ये उच्च लेवल की बातें हैं। हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज जी फोन लाइन पे हैं। अरविंद जी नमस्कार। जी नमस्कार। अरविंद भारद्वाज जी, हम चर्चा कर रहे हैं प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की,
दो तस्वीरें सर आज देखने को मिली हैं, एक जींद से एक सिरसा से। जींद में आपने भी ये खबर आपको मालूम होगी कि यहाँ पर SFI और ABBP के छात्र संगठनों के छात्रों के बीच झड़प हो गई। जिस तरह से दलित छात्र की आत्महत्या का मामला गरमाया उसके बाद से लगातार विरोध हो रहा है। एक तस्वीर प्रदेश की ये देखने को मिली, दूसरा सिरसा का एक स्कूल है सर, राजकीय मॉडल संस्कृति पाठशाला इसका नाम है, लेकिन ये पाठशाला कम पशुशाला ज्यादा हो गया है। टीचर भी यहाँ पशुओं से परेशान है और एक भी चौकीदार स्कूल के अंदर नहीं है। आपको क्या लगता है सर, इस तरह का सूरतेहाल उस प्रदेश के अंदर जहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, जहाँ पर एक पार्टी को यहाँ की जनता ने बहुमत के साथ सत्ता सौंपी? जी, असल में सिर्फ इसी स्कूल में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो शिक्षा व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। और सरकारी स्कूल हो या सरकार से संबंधित जो स्कूल है उनकी तो बड़ी दयनीय हालत है जी। और बजाय इन सब चीजों में सुधार करने के, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, टीचर्स की कमी है, स्टाफ है, PN की कमी है, क्लर्क की कमी है, उन सबको कमियों को दूर करने के बजाय सरकार का ध्यान तो कहीं और है। कभी तो सरकार शिक्षा का भगवाकरण की बात करती है, कभी सेमेस्टर लगाओ कभी हटाओ, मतलब तो इन चीजों से थोड़ी शिक्षा का स्तर सुधरेगा। आपको जो बेसिक जो जरूरत है, मौलिक जो जरूरतें हैं स्कूल के लिए, बहुत सी जगह मैंने देखा स्कूलों में चार दीवारी तक नहीं है, इसीलिए आवारा पशु घुस आते हैं और जो बाहर के जो तत्व हैं, जो असामाजिक लोग हैं, वो भी आकर बैठ जाते हैं। तो वहां पर प्रॉपर गेट नहीं है, दीवारें नहीं है, PO नहीं है, चपरासी नहीं है, स्टाफ नहीं है जो इन सब चीजों को मैनेज कर सके, पंखे नहीं है, बेंच नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, नहीं है। तो ये बहुत आम बात है, पर तो इन सब चीजों को छोड़कर ना कोई शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सुधार किया जा रहा है, और नई सरकार को आए हुए दूसरी ओर शिक्षा को ले जा रहे हैं, नई नई बातें कर रहे हैं, सवा साल इन्होंने निकाल दिया, एक भी नई भर्ती कोई अध्यापक की या किसी कर्मचारी की स्कूल में। जवाब ले लेते हैं अरविंद भारद्वाज जी, एक एक करके सबसे जवाब लेते हैं। गोविंद भारद्वाज हमारे साथ BJP के प्रवक्ता फोन लाइन पे। गोविंद जी नमस्कार। नमस्कार गोविंद जी, शिक्षा व्यवस्था पर हम चर्चा कर रहे हैं, अरविंद भारद्वाज हमारे साथ हैं, OP सहरावत जी शिक्षाविद इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, एक अजीब तरह का नजारा आज देखने को मिला है, हम कह लें इसको कि शिक्षा व्यवस्था का कल्चर बदल रहा है क्या प्रदेश के अंदर। हम देखते हैं सिरसा के राजकीय मॉडल संस्कृति पाठशाला, जहाँ पर बच्चे कम पशु ज्यादा है और यहाँ पर बहुतायात में पशु अंदर आ जाते हैं जिससे टीचर भी परेशान है। स्कूल में एक भी चौकीदार नहीं है। उप जिला शिक्षा अधिकारी से जब बात की गई तो वो भी फोर्थ क्लास कर्मचारियों की कमी का रोना रोते नजर आए। दूसरी तस्वीर हम जींद की दिखा रहे हैं, जहां पर आज दो छात्र संगठनों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। ये किस तरह का एक माहौल प्रदेश के अंदर शिक्षा व्यवस्था को लेकर बन रहा है? अब आप ये मत कहिएगा कि ये सिर्फ दो जगह की खबरें हैं, हम पूर्व में भी इससे पहले कई जगहों से खबरें उठा चुके हैं और इस तरह के हालात देख चुके हैं, अब जवाब दें आप। नहीं, आपसे खबरें उठाना तो आपका काम है, उठानी चाहिए खबरें। हाँ, हकीकत को दिखाना सर, हकीकत को दिखाना, सिर्फ खबरें उठाना नहीं, जो हकीकत है उसको सामने लाना। हकीकत दिखाएंगे उसी से तो सब बात समझ में आएगी। हाँ। मेरे मित्र भारद्वाज जी जिस तरह से बोल रहे थे, अभी कह रहे थे कि बेंच नहीं है, चपरासी नहीं है, ये सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें इन्होंने उठाई है, ये कोई एक दिन में तो होती नहीं है, ये भी होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये होनी चाहिए स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन को, चपरासी को, बेंचेस की, चार दीवारी की, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सारी जरूरतें हैं। कब होगा सर? नहीं, निश्चित रूप से खत्म हो गया, सवा साल से ऊपर हो गया, अब किस चीज का इंतजार है? नहीं, इंतजार है, नई भर्तियां जैसे हमने अब आ गई है, नई भर्तियों की घोषणा हो रही है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इसको निकाल रहे हैं, भर्तियां नए टीचर्स ले रहे हैं, गेस्ट टीचर्स को हमने दोबारा उनको इन्होंने एक नया पंगा खड़ा कर दिया था हरियाणा सरकार ने, उसको धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, आप बोल रहे हैं कि समाधान हो रहा है, मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास, चाहूंगा कि अरविंद जी आप भी हमारे साथ बने रहिए, OP सैराव भी हमारे साथ हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार तमाम बारीकियों पर चर्चा हम करेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जल्द होंगे हाजिर। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बार शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा, हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी।
सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है, वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है, तो बोलो बोलो। पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaran Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call... दस साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा, राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा, शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके बिना थके। मैं आपका धर्मेंद्र, आप सबको इनवाइट करता हूं, आइए देखिए सूरजपुर मेले के रंग मेरे सर। ब्रेक के बाद विशेष में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था के सूरतेहाल की, हम शिक्षा व्यवस्था के ढर्रे की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं छात्रों के व्यवहार की, जिसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। ये किस तरह का व्यवहार, किस तरह का बदलाव, चूंकि जो मौजूदा सरकार है वो छात्रों में संस्कार भरने की बात कहती है, वो कहती है कि मॉरल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इन तमाम बातों पर गौर किया जा रहा है, लेकिन उसका असर क्यों नहीं दिख रहा है, वो बदलाव जिसकी बात सरकार कहती है वो बदलाव आखिर कब नजर आएगा, सवाल कई सारे हैं। ओपी सरावत जी हमारे साथ शिक्षाविद लगातार जुड़े हुए स्टूडियो में। सरावत साहब, ये जो बातें बीजेपी के प्रवक्ता ने कही और जो बातें इनेलो के प्रवक्ता ने कही, क्या आपको लगता है ये जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें बदलाव की क्या एक ईमानदार कोशिश की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से? आपको लगता है सत्ता बदल जाने से कुछ असर पड़ा है शिक्षा व्यवस्था में? गोविंद भारद्वाज जी ये कह रहे थे कि वक्त लगेगा। देखिए, जब तक ऐसा क्यों हो रहा है, शिक्षा जो व्यवस्था ऐसी क्यों हो रही है, जब तक हम गंभीरता से इस पर विचार नहीं करेंगे, ईमानदारी से इस पर विचार नहीं करेंगे, नेक नीति से इस पर विचार करके इसका हल नहीं ढूंढेंगे, तो वो पुरानी व्यवस्था को, पुरानी सरकार को कोसेगा, नई सरकार पिछले गड्ढे बताएगी, और अब की जो सरकार है वो कहेगी कि हमें समय लगेगा, एक दिन में होता नहीं है। हाँ। तो ये जो परंपरा जो है कि एक दूसरे पर डालने की बात, हाँ। ये इस पर राजनीति ना हो और इसके ऊपर गंभीर विचार होकर के बच्चों का भविष्य किस प्रकार से
उज्जवल हो और उठाया जा सकता है, ईमानदारी से इस पर कोशिश हो तो ये हो सकता है। नहीं तो ये केवल अगर विद्यालयों के अंदर राजनीति का प्रवेश हो गया है। आप देख रहे हैं कि बच्चे किस प्रकार से आपस में लड़ रहे हैं, विद्यालयों के अंदर जो पंच सरपंच या गांव में जो अपना थोड़ा रसूख रखता है वो अधिकारीगण में रसूख रखता है, उनका प्रवेश होता है। अध्यापकों के लिए, प्रिंसिपल के लिए मुश्किल होती है कि किस प्रकार से हम विद्या उनको दिलाएं या उस अखाड़े से बचें, क्योंकि उनकी जो घर की राजनीति है वो स्कूल में आ जाती है, तो ये बड़ा नुकसान है। इससे लड़ाइयां भी होती हैं और झगड़े भी होते हैं, तो इससे दूर रहने की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन इसके लिए सीरियस होकर के सरकार को, अधिकारीगण को नीति बनानी होगी विद्यार्थी विषयों के बारे में। हाँ। जो एक्सपर्ट अध्यापक है उनकी सही भर्ती हो, जब तक नहीं होगी। हाँ। तो क्लासें खाली रहेंगी, खाली रहेंगे बच्चे जो है बाहर निकलेंगे। हमारे साथ बाह्य हस्तक्षेप है। हाँ। जो उसको रोक लगे। हाँ। राजनीति जो विद्यालयों से कोसों दूर रहे। हाँ। तो अच्छा है। ये ऊपर के लेवल की जो कॉलेज लेवल की राजनीति है, ये यूनिवर्सिटी में जाकर राजनीति होती है, वो अभी से अगर छोटे बच्चों में कर दी जाए। हाँ। तो इसका फायदा कम होगा और नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, हमारे साथ अरविंद भारद्वाज जी हैं और साथ ही साथ गोविंद भारद्वाज जी फोन लाइन पे हैं। गोविंद भारद्वाज जी, आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से छात्र संघ की राजनीति होती है, आज SFI और ABVP में जो लाठी डंडे हमने चलते देखे, जो झड़प होती है हमने देखी जींद में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस तरह से खुलेआम अगर छात्र आपस में भिड़ने लग जाएं, जिन छात्रों को कॉलेज के अंदर होना चाहिए, क्लासरूम में होना चाहिए, शिक्षा तालीम हासिल करनी चाहिए, वो इस तरह से आकर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, चाहे मुद्दा कोई भी हो, आपको लगता है ये जायज़ है? इस तरह का एक माहौल जो प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बना रहा है, उसको सुदृढ़ कर रहा है? कोई भी इस तरह का माहौल अच्छा नहीं कहेगा, मैं भी इस पर नहीं करता। लेकिन ABVP जिस तरह से राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ विद्यार्थियों में काम कर रही है, और ये वामपंथी विचारधारा के लोग या कांग्रेस से संबंधित लोग, जब विचारधारा का टकराव होता है और आपस में स्टूडेंट्स टकराव करते हैं, तो ये कई बार मजबूरन भी सर विद्यार्थी की क्या विचारधारा होती है, चाहे वो SFI का हो चाहे वो ABVP का हो, क्या आप विद्यार्थियों को भी विचारधारा में बांटना चाहते हैं क्या? आप ABVP का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी स्टूडेंट विंग है? आप SFI और कांग्रेस की NSUI का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी विंग नहीं है? इसमें तो राजनीति, आपकी बातों में भी राजनीति झलक रही है। नहीं नहीं नहीं, विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति तो आनी चाहिए, देशभक्ति आनी चाहिए। नहीं तो सर इसके लिए है कि आप मजबूरन राष्ट्रभक्ति और ये सब बच्चों में थोपना चाहते हैं क्या ABVP के माध्यम से? अरे ये थोपने की जरूरत नहीं है। तो आप कही इस बात इस तरह से रहे इस बात को? हाँ बिल्कुल, मैं आपसे सीधा ये सवाल कर रहा हूँ, क्या छात्रों को राष्ट्रभक्ति के नाम पर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए, राष्ट्रभक्ति तो अनायास आपके भीतर से आनी चाहिए, ये थोपने वाली कोई बात नहीं, ये कोई विचारधारा नहीं। राष्ट्रभक्ति को आप एक विचारधारा मान रहे हैं, वो एक गलत बात है। आप ये कहिए कि बच्चों को राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए, बच्चों को सिर्फ शिक्षा पर फोकस करना चाहिए, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उनकी कॉलेजेस के अंदर होती है उस पर फोकस करना चाहिए। क्या उनको इस तरह से दो विचारधारा में बंटकर हाथ में लाठी डंडे, क्या विचारधारा ये सिखाता है कि आपको हाथ में लाठी डंडे लेने? जो झगड़ा हुआ ये विचारधारा का नहीं है, ये व्यक्तिगत टकराव के कारण कहीं हुआ है। हाँ, तो इसकी आप निंदा करिए, आप ये कहिए कि हम इसकी निंदा करते हैं और जो छात्र तस्वीरों में दिखे हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, नहीं नहीं कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, वो लोग भी नहीं करेंगे। ये विचारधारा का और जो ग्रुप बनता है आपस में बच्चों का, उसकी जगह है। अरविंद भारद्वाज जी, आपको क्या लगता है जो गोविंद भारद्वाज जी बात कह रहे हैं, क्या वो बात सही है, स्पष्ट है, आपको लगता है ऐसा? नहीं नहीं, गोविंद जी की बात में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि आप अपने लिए तो कुछ और सोचते हैं कि ABVP के हैं तो वो विचारधारा की बात है, और जो और लड़ रहे हैं तो वो उनके व्यक्तिगत झगड़ा है या वो कमियां उनमें आप ढूंढ दें। देखिए, ये चाहे व्यक्तिगत झगड़ा हो या कोई विचारधारा की लड़ाई हो, अगर गलत है तो गलत है, जो उसके उसकी उसकी भत्सना सभी को करनी चाहिए। इस तरह से अगर छात्र लड़ेंगे तो जिस मकसद से स्कूल और कॉलेज खोले गए या जिस मकसद से उन्हें कॉलेजों में भेजा जाता है, वो मकसद तो कहीं पूरा होता ही नहीं है, तो ये तो गलत है और सभी को इसे गलत मानना ही चाहिए, चाहे वो BJP के लोग हों या इन लोग हों या कांग्रेस के हों, गलत तो गलत ही है, वो सबके लिए गलत। चलिए, बेहद शुक्रिया अरविंद भारद्वाज जी आपका, गोविंद भारद्वाज जी आपका, OP सरावत साहब आपका हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। हम चर्चा शिक्षा व्यवस्था को लेकर कर रहे थे, जिसमें हमने बात की छात्रों के व्यवहार की भी, और आखिर में जो एक बात सामने निकल करके आई है वो ये कि सरकार को एक ईमानदार कोशिश करनी होगी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर हो, चाहे वो शिक्षकों की, अच्छे शिक्षकों की भर्ती के स्तर पर हो। एक जो वायदा प्रदेश की जनता के साथ किया गया था कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा, उसको बेहतर किया जाएगा, उस रास्ते से सरकार हटे नहीं और उस पर फोकस होकर काम करे,
चाहे वक्त कितना भी लग जाए, हालांकि हनीमून पीरियड खत्म हो गया है, 1.5 साल से ऊपर हो गए, लोगों की उम्मीद की नजरें अभी भी सरकार पर टिकी हुई है। देखना होगा कि सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी या नहीं। फिलहाल विशेष में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।